आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे चावल और बिस्किट से बहुत ही टेस्टी मिठाई तो ये बिल्कुल ही नई रेसिपी है फ्रेंड्स अब खाने में ये मिठाई बहुत ही टेस्टी है तो बिना चावल को भिंग और बिना आप इसे धोए हुए इस मिठाई को बना सकें हेलो फ्रेंड्स इजी टू कुक फूड में आप सभी का स्वागत है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए तो मैं रेसिपी को शुरू करती हूँ यहाँ पर मैंने पेन को गैस पर रख दिया और इसमें मैंने एक कटोरी चावल डाला है कम गैस पर इसे लगतार मिलाते हुए मैं हल्का सा भून लूंगी तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने चावल को नहीं धोया है ना भिंगो के रखा था सिर्फ मैंने इसे गीला कपड़ा से पोंछ दिया है और इसे मैंने पंखे के नीचे सुखा दिया है चावल को भूनने से फ्रेंड्स मिठाई में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो गया है तो गैस को मैंने बंद कर दिया है और इसे मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है तो मैं इसे पीस लेती हूँ तो बिल्कुल इसे पाउडर की तरह पिसना है तो यहाँ पर ये रेडी हो गया है ये देखिए बिल्कुल इस तरह से अगर आपको डाउट वगैरह लग रहा है कि अच्छे से नहीं पिसा है तो इसे आप चलने से चाल लें और दोबारा से आप इसे पीस सकते हैं अगर आप इसके जगह चावल का आटा लेना चाहते हैं तो आप उसे थोड़ा सा भून ले उससे मिठाई में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा तो जितना मैंने चावल लिया है उससे ज़्यादा मैंने यहाँ पर दूध डाला है मैंने एक कटोरी चावल लिया है और यहाँ पर चार कप मैंने दूध डाला है और इसमें आधा कटोरी मैंने मिल्क पाउडर डाला है और ये मैंने तीन इलायची को कूट कर डाला है और मैं अच्छा से इसे मिला लेती हूँ अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसके जगह दूध को ज़्यादा बढ़ा ले और इसे ही पका कर गाढ़ा कर ले इसे मिठाई में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा तो यहाँ पर ये गाढ़ा हो गया है तो थोड़ा थोड़ा करके मैं चावल को आटा को डालते जाऊँगी और इसे लगातार मिलाते रहूँगी और यहाँ पर गैस को भी मैंने कम ही रखा है तो यहाँ पर मैंने सारे चावल के आटा को डाल दिया है ये देखिए अब मैं इसमें डालूँगी एक कटोरी पिसा हुआ चीनी और इसे डालकर मैं लगातार मिलाते रहूँगी जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए तो इसे दो तीन से चार मिनट लगतार मिलाते हुए गया बिल्कुल ये गाढ़ा हो गया है तो गैस को मैं बंद कर देती हूँ और यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक का डब्बा लिया है अंदर में मैंने उसे घी से अच्छे से घस दिया है अब मैं इसमें मिश्रण को डाल देती हूँ इसे मिश्रण है जो निकालते वक्त आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा आसानी से वो निकल जाता है तो अच्छे से मैंने यहाँ पर इसे फैला दिया है अभी मैं इसे साइड में रख देती हूँ और यहाँ पर मैंने दो बिस्किट लिया है हैप्पी हैप्पी तो आप कोई सा भी बिस्किट ले सकते हैं तो इसे मैं फाड़ के निकाल लेती हूँ तो यहाँ पर मैंने प्लेट में निकाल लिया है एक एक करके मैं बिस्किट को तोड़कर जार में डाल देती हूँ इसे आसानी से पिसा जाएगा तो ये देखिए फ्रेंड्स इसे मैं पीस लेती हूँ तो इसे बिल्कुल पाउडर की तरह नहीं रेडी करना थोड़ा सा इसे मोटा ही रखना है बिल्कुल इस तरह से तो यहाँ पर मैंने पैन में एक कप दूध डाला है तब तो मैं मिश्रण को डाल देती हूँ और यहाँ पर मैंने गैस को भी कम ही रखा है और इसे लगातार मिलाते हुए बिल्कुल गाढ़ा मैं तैयार कर लेती हूँ डो की तरह ये देखिए बिल्कुल ये रेडी हो गया है गैस को मैं बंद कर देती हूँ अब इसके ऊपर से मिश्रण को डाल देती हूँ और इसे भी मैं अच्छे से फैला देती हूँ तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से फैला दिया है और ऊपर से मैंने सूखा हुआ ड्राई फ्रूट डाला है आप चाहे तो अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट भी इसमें डाल सकते हैं और अच्छे से मैंने इसे फैला दिया है इसे आधे घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख देती हूँ ये अच्छे से सेट हो हो जाएगा यहाँ पर ये अच्छे से सेट हो गया है तो इसे मैंने डब्बे से बाहर निकाल लिया है ये देखिए और में फ्रेंड्स ये मिठाई खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है तो मैं इसे कट कर लेती हूँ आप चाहे तो अपने मनपसंद से इसे दे सकते हैं तो एक बार मेरे तरीके से मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा आपको बहुत ही पसंद आएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें